कर दो सबको हेलो। नो क्यों नो? नो नहीं करो, इधर आओ। देखो तुमको बुला। अरे भैया मुझे क्यों धक्का दे रही हो? अरे इधर तो आओ, इधर तो आओ। अच्छा हेलो करो। देखो देखो सब बोल रहे हैं तुमको। देखो कह रहे हैं टिन टिन क्या कर रही है कि माया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं कि मैं लेटी हुई हूँ। हाँ थोड़ी सी आज तबीयत ऐसी है, लेकिन काम मेरा सारा हो गया। आज मेरी हेल्पर भी बहुत जल्दी आ गई थी। और ये देखो टिन टिन नाराज़ सी है आज। देखिए मुझे अभी धक्का देंगी है। और मुझे देखो कैसे घूर रही है। इधर आओ, इधर आओ। आज टिन टिन को मैंने नहलाया नहीं, क्योंकि उसे थोड़ा ना कोल्ड हो रखा था। क्योंकि अब मैंने गर्म पानी करना बंद कर दिया है, तो ठंडे पानी से उसे नहला दे रही हूँ। और टंकी का पानी होता है बिल्कुल चिल्ड। और ये 2 दिन से सुन रही है बात मेरी। देखो अब मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, वहाँ से कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए कैसे घूर रही है वहाँ पे जाके, मुझे वहाँ से घूर रही है। उधर फेस कर लिया जैसे मैंने कैमरा इसकी तरफ किया है। तो वही वाली बात है ना कि बच्चे आजकल के बहुत तेज़ हो रहे हैं, बहुत तेज़ हो रहे हैं। सारी चीज़ें इन्हें समझ में आती है, बहुत कम एज से ही बहुत तेज़ हो जाते हैं। और हर चीज़ समझते हैं कि वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात हो रही। देखिए फिर आके यहाँ से। अच्छा हेलो कर दो, हाय कर दो। नहीं करोगी? तो ये गुस्सा है मुझसे। तो हाँ क्या कह रही हो? अच्छा एंजल पढ़ाई कर रही है अपनी। गेट लगा देना बेटा हम बीच का। देखो अभी इधर से नहीं बेटा, मम्मा ऊपर जम मत करना, गलत बात बोल दो। चलो अब देखो आगे, अब तो बोल लो। ठीक है मत बोलो गंदी बच्ची। और आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। ब्रेकफास्ट में मैंने पूड़ियाँ बनाई थी अजवाइन की, और कद्दू की सब्जी बनाई थी। तो हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करा के उनका लंच पैक करके मैंने दे दिया। और मैंने एंजल ने भी अभी जस्ट वही खाया, पूड़ी और सब्जी। टिन टिन को नहीं नहीं नहलाया, क्योंकि कोल्ड बहुत ज़्यादा उसको हो रखा था। तो मैंने उसको वही मालिश वगैरह कल तेल से थोड़ा सा वो करके, तो आज मैंने बस उसका हाथ मुंह पोंछ दिया। अभी कपड़े इतने गंदे किए नहीं है, कपड़े तो वैसे भी इसके चेंज होते ही रहते हैं दिन भर में। कई बार कभी पानी गिरा लेती है, कभी कुछ कर लेती है। एंजल बीच वाला गेट लगा दो बेटा प्लीज। नहीं लगाया पूरा, तो मैं थोड़ा सा आराम करने लेट गई थी। और बस अब कुछ दिन में मुझे डॉक्टर को भी दिखाना है। और मेरा 7th मंथ स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से 1 वीक भी चला गया है, 2nd वीक चल रहा है। और अब मुझे ना दिक्कत होने लगी। दिक्कत क्या, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती हूँ। खड़ी होती हूँ अगर किचन में, अगर मुझे 1-1.5 घंटे काम करना रहता है, क्योंकि 1 घंटा तो आराम से खाने में लग ही जाता है। आप कुछ भी करो 1 घंटा। तो इसलिए मैंने ये छोटी वाली चेयर रखी है जो आप लोगों ने देखी होगी, वही मैं मंदिर में लेके जाती हूँ, वही मैं किचन में लेके जाती हूँ। तो उसी पे बैठ के मैं आटा अपना निकालती हूँ, जितनी सारी चीज़ें करती हैं करनी रहती है उसी चेयर पे बैठ के मैं कर लेती हूँ आराम से। तो अब जरा सा भी खड़ी होती हूँ ना, तो आज मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, नहा के गाउन डाला। तो गाउन ही पहन के मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो जैसे ही 7th मंथ स्टार्ट हुआ है, मेरी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे खड़ा नहीं हो पाती हूँ बहुत देर तक। खड़ी अगर हो गई, बैठ तो जाती हूँ, खड़ी रही तो फिर मुझे दिक्कत होने लगती है। पैर वैर दर्द होने लगते हैं, पेट में दर्द, तो मतलब हल्का सा नीचे पेन होने लगता है। तो यही सारी दिक्कतें आजकल चल रही हैं। तो आज मुझे कुछ खास काम तो था नहीं। कल मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह बन ही गया, वही हमने भी खा लिया। अब लंच में कुछ नहीं बनाएंगे, सही बताएं तो दूध वूध पी लेंगे। मैं और एंजल ही तो हैं, टिनटिन कुछ इतना खाती नहीं है। तो टिनटिन भी दूध वगैरह पी लेंगी, दूध टोस्ट वगैरह ले लेंगे। अब सीधे शाम को ही खाना बनाएंगे। शाम को बनाएंगे गोभी, आलू मटर, टमाटर की सब्जी, ग्रेवी वाली जो थोड़ी सी स्पाइसी, और उसके साथ राइस और रोटी, जैसे कल हमने बनाए थे ना दम आलू, आपने देखा ही होगा कल वाले ब्लॉग में। और ये बस पहले तो हस्बैंड भी थोड़ा करा देते थे, लेकिन कराते तो खैर अभी भी हैं, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम होता है। बहुत थक जाते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा, बहुत उनकी भागा दौड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, इधर से उधर उधर से इधर। अब तो छुट्टी भी नहीं है एक भी दिन की। तो अब 10 बजे कभी आ रहे हैं, कभी 9:30 बजे आ रहे हैं, ऐसे होता है। तो वो कभी मुझे प्रेशर नहीं डालते कि तुम खाना प्रॉपर दोनों टाइम का ही बनाओ। कभी कभी तो मुझे कहते तुम ऐसा करो एक ही टाइम सब्जी बना के रख दिया करो, शाम को रोटियां सेक लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन वही है ना, जब इंसान बाहर काम करता है तो उसे खाना तो 2 टाइम का अच्छे से चाहिए। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बनाती हूँ, सही बताऊँ। मैं अपने सेहत को सेहत देखने के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ। अगर अगर मेरी तबीयत जिस दिन सही नहीं रहती, तो उस दिन मैं खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ, शॉर्टकट बना लेती हूँ।
तो बस यही चल रहा है। चलिए मैं सोच रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही, तो मेरी चाय नहीं छूट रही है। मुझे डॉक्टर ने साफ मना किया कि आपको मीठा कम खाना है। ऐसा नहीं कि मुझे शुगर है, शुगर वगैरह कुछ नहीं, सारे टेस्ट हो चुके हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक दिक्कत जो मैंने आपको बताई थी, वो कौन सी दिक्कत है? बस वही दिक्कत है जिसके कारण मेरा हर महीने अल्ट्रासाउंड होता है फॉलोअप करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, और कुछ नहीं। तो अब मेरा अल्ट्रासाउंड जल्दी होने वाला है, आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा कब होने वाला है। और जैसे मेरा 7th मंथ स्टार्ट हो गया, और मेरी 7th मंथ स्टार्ट होते ही मेरी प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगी हैं, क्योंकि मेरी आदत है ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ हर कंडीशन में। बहुत अगर मुझे दिक्कत भी होगी ना, तो कभी आप मेरे चेहरे से तो पता चल ही जाता है, क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल सिंपल रहती हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं काम कर लेती हूँ, चाहे कैसे भी करूँ, धीरे धीरे करूँ, आराम से करूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने काम पूरे फिनिश कर ही लेती हूँ। और मेरी हेल्पर भी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरी हेल्पर भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि मेरी हेल्पर 15 दिन की छुट्टी करने वाली है क्योंकि वो लोग जाने वाले हैं कोलकाता। कोलकाता जाने वाले हैं, नवरात्रों के ठीक बाद ही चले जाएंगे वो लोग। जैसे ही नवरात्रे ख़त्म होंगे, बढ़ेंगे, वैसे ही ये लोग कोलकाता चले जाएंगे। और ये लोग कोलकाता 3 साल से गए भी नहीं, इनका मैके वगैरह जो भी होगा, तो 15 दिन के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। वो कैसे करना है, क्योंकि मैं दूसरी तो रखूँगी नहीं 15 दिन के लिए, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि सबसे मन नहीं मिलते हैं। तो 15 दिन बस थोड़ी दिक्कत होगी, देख लेंगे। और उस टाइम मेरा 8वां मंथ भी शुरू हो जाएगा, तो 8वें मंथ में तो और भी ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम हो बढ़ जाती है। कोई नहीं, जब इतने महीने निकले तो ये भी निकल ही जाएंगे, भगवान तो है ही हमारे साथ, तो क्या डर है। तो चलिए मैं चाय बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। हेलो गाइस, तो मैं अब बनाने जा रही हूँ रात का डिनर। और दिन में लेट गई थी मैं, और जैसे कि आपको बताया था, डिनर में आज मैं आलू गोभी टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, जो मैंने काट के सारा रख लिया है, और इसके साथ बनाऊंगा। तो मुझे थोड़ी स्पाइसी सब्जी बनानी है, जैसे कल दम आलू बनाए थे ना, तो मेरा मन कर रहा है स्पाइसी खाने का, तो इसको भी ऐसा ही बनाऊंगी मैं। तो तैयारी करके मैंने रख ली है, और मैंने आज कुछ भी नहीं किया, जैसे सुबह से घूम रही हूँ वैसे ही हूँ। और बस सब्जी बनाने के बाद गर्मा गर्म राइस थोड़े से बनाऊँगी, क्योंकि राइस तो मैं लूँगी थोड़े से, और अगर ये रोटी कहेंगे तो इनके लिए रोटी बना दूँगी मैं, क्योंकि मैं अपने लिए, एंजल के लिए तो रोटी नहीं बनाऊँगी, अकेले के लिए। अगर ये कहेंगे तो बना दूँगी, वरना हम राइस और सब्जी, चावल सब्जी ही आज के डिनर में है। तो देखिए मैंने यहाँ ये ना गोभी काट ली है, एक बड़ा सा आलू काटा है, यहाँ पे 3 टमाटर काटे हैं मैंने, और प्याज काट के रख ली है, थोड़ी सी धनिया थी उसे काट लिया है। तो बस इसमें सारे मसाले में टमाटर में मिला दूँ, सिंपल तरीके से बनाती हूँ जैसे मैं हमेशा से सब्जी। तो चलिए सब्जी पहले बना के फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। एंजल यहाँ पे लेटी हुई है, थक गई आज। एंजल बैडमिंटन खेल रही थी बाहर, और टिनटिन सो रही थी, जो अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हैं। जस्ट आलस आ रहा है टिनटिन को अभी भी। हेलो बोलो, हाय कर दो। हाय नहीं करोगी? अभी भी नाराज हो? अभी भी गुस्सा हो? है गंदू? गूजा मार दूंगा, गुस्सा मार दें? नहीं मारेंगे हम तो, मारेंगे। चलो खेलो तुम लोग, ठीक है? तो मैं गई थी टिंटिन को देखने क्या कर रही है, और इधर मैं सब्जी बना रही हूँ। चलिए फिर कर लेते हैं काम, फिर मुझे पूजा भी करनी है, नहा के पूजा करूंगी मैं शाम को। अब गर्मी वाला दिन आ गया, तो मेरी पहले भी आदत थी ना, शाम की जोत बत्ती भी मैं नहा के ही करती थी, ठंडियों में, ठंडी यहाँ तक कि मैं ठंडियों में भी नहा के करती थी। लेकिन इस टाइम, इस बार जो ठंडी थी, उस टाइम मेरी तबीयत ही ख़राब थी, आपको रीज़न पता ही था, तो नहीं नहाती थी। तो एक ही बार नहा के सुबह फिर वैसे ही पूजा कर लेती थी। तो सोच रही थी पहले सब्जी बना लूँ, फिर जाके पूजा करूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए शाम की जोत बत्ती हो गई है, और ये जो फ्लावर वगैरह सब धुले थे ना, ये सब एंजल ने लगाए हैं,
ये सारे एंजल ने लगा दिए। एंजल बहुत हेल्प कराती है इस टाइम मेरी, क्यों झूठ बोलूं, बहुत हेल्प कराती है। लेकिन कपूर जलता है ना तो ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। बस मुझे अब मंदिर क्लीन करना है। मंदिर तो वैसे ही क्लीन है क्योंकि मैंने होली पे ही किया था, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से मुझे क्लीन करना है। ये सारे एंजल ने सब कुछ लगा दिया, आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये देखिए तोरण वोरन सब एंजल ने ही अपने से खुद लगाया है, तो ये सारा लग गया है। और ये रहे मेरे कान्हा जी, प्यारे से बैठे हुए हैं। आज एंजल ने कपड़े पहनाए थे इनको, तो एंजल बहुत कुछ सीख गई है कान्हा जी की सेवा करना। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हैं फिर से वही आई देखो जो गिरा रही थी। अरे ये वो समझ के ला रही है इसको, हाँ खेलने वाली, खाने वाली नहीं, उसे क्या बोलते हैं। ये भी टाइट है। दिस अंग्रेजन फूक रही है, वो खाएगी नहीं फैलाएगी। पैकेट भी गिर रहे थे इसके अंदर, खाओ। तो गंदा लगता, तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30। मैं किचन में आ गई हूँ, हस्बैंड भी आ चुके हैं, मैंने उनको चाय पिला दी है और देख ही लिया होगा आपने। और अभी मैं आई हूँ किचन में राइस चढ़ाने, मैंने पूजा करी थी ना कि यही डाल दिया था, टी शर्ट नीवी डाली। और ये देखिए जी बन गई है, मैंने इसमें धनिया जो काटे थे ना वो डाल दिए, अब राइस चढ़ाना है क्योंकि राइस तो मुझे एक टाइम चाहिए ही चाहिए। मेरी अभी की नहीं, ऐसा नहीं कि मेरी नई नई प्रेगनेंसी में ऐसी आदत हुई है, मेरी आदत शुरू से ही है, मुझे राइस खाना बहुत पसंद है। मतलब या लंच में या फिर डिनर में थोड़े से मुझे राइस चाहिए ही चाहिए। चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं, बस चावल बनाने, उसके बाद खाना खा के खाना खाते हैं, फिर वीडियो का एंड भी मुझे करना है।